जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई 4th राउंड चॉइस प्लिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एमपी आईटीआई का 4th राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। और ये कब से स्टार्ट किया गया है दोस्तों? 8 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसकी जो चॉइस प्लिंग होती है, वो चॉइस प्लिंग कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। साथ ही कोई भी डाउट होता है कमेंट करें। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, जानता जानता इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है आईटीआई। तो इसके बाद में हमारे सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक आईटीआई काउंसलिंग दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हम एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों हमको दिखाई देगा कि CTS ITI ऑनलाइन काउंसलिंग, एक हमको दिखाई देगा यहाँ पर IMC ऑनलाइन काउंसलिंग, एक दिखाई देगा हमको DST ऑनलाइन काउंसलिंग। आपने जिसके लिए रजिस्ट्रेशन किया उसके माध्यम उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा चॉइस प्लिंग। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस लिंक के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है रजिस्ट्रेशन करने की। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि चॉइस प्लिंग कैसे करना है। तो चॉइस प्लिंग करने के लिए यहाँ पर हमको लिंक दिखाई देगा, संस्थाओं व्यवस्थाओं की प्राथमिकता क्रम का चयन। तो इस लिंक के माध्यम से हमें अपनी यहाँ पर चॉइस प्लिंग करनी होगी। ठीक है, तो चॉइस प्लिंग करने का लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर किसको चॉइस प्लिंग करनी है? तो दोस्तों, यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस प्लिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर चॉइस प्लिंग करनी है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे दोस्तों वो न्यू स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर चॉइस प्लिंग करनी है। तो चॉइस प्लिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लिंक का यूज करना है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपने चॉइस प्लिंग कर ली, चॉइस प्लिंग में आपने कॉलेज सेलेक्ट कर ली, इसके 2-3 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि हमने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो गलत कॉलेज सेलेक्ट कर ली हैं, तो इनको हमें एडिट करना है। तो एडिट भी कर पाएंगे आप इस लिंक के माध्यम से, आप एडिट कर पाएंगे यहाँ पर चॉइस प्लिंग में, टूटी सुधार कर पाएंगे। कब तक? 15 सितंबर तक। ठीक है, तो इस लिंक का यूज कर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, वो फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया 6+2 का आंसर 8 होता है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। यहाँ से हम इसको जल्दी से फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने सबमिट कर रहे हैं डाटा को पूरा, और यहाँ पर हमने कैप्चा कोड वगैरह डाल दिया। इसके बाद में हमने यहाँ से सबमिट कर दिया। ओके, जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमको क्या करना होगा, हमको अपना पासवर्ड डालना है। जो भी हमारा पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना है। आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद चॉइस प्लिंग के लिए लॉग इन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम इस ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे प्रोफाइल में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ यानी कि हमारी सभी डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह, यहाँ पर सभी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। ओके, इसके बाद में हमको नीचे आना है। जैसे हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारी सभी डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि सभी ITI के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। यहाँ पर सामान्य कट ऑफ आ जाएगा, कितना कट ऑफ गया है, श्रेणी का कट ऑफ आ जाएगी, जनरल का कट ऑफ, कुल सीटें कितनी हैं, यानी कि इस कॉलेज में, इस ट्रेड में कितनी सीटें हैं टोटल, वो सभी डिटेल्स आ जाएंगी। और यहाँ पर हम जो भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वो सभी कॉलेज के नाम यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी MP ITI के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी सभी ITI हैं, उन सभी ITI की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सभी जिलों की लिस्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी सभी जिले होते हैं, सभी जिलों की यहाँ पर लिस्ट आपको दिखाई देगी, जिसमें से दोस्तों कॉलेज सेलेक्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सभी जिलों की लिस्ट है, यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है अब, तो दोस्तों यहाँ से हमने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर ही हमें एडमिशन लेना है। ठीक है, अब ग्वालियर के अंदर जितने भी सभी शासकीय ITI गवर्नमेंट ITI हैं, उन सभी की लिस्ट आ चुकी है। और आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाइए। यानी कि हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को यहाँ से सेलेक्ट करें। इसका कट ऑफ कितना है, कितनी सीटें खाली हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है। जैसे ही आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे तो यहाँ पर जो हम कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कट ऑफ वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, हमारे कॉलेज का नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ से सेकंड कॉलेज जो कि एक और सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने ग्वालियर के अंदर एक और कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट बनती जा रही है। यहाँ पर हम एक और कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ से हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद में एक कॉलेज और सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने इस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर लिया। अब देख सकते, आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर चार कॉलेज सिलेक्ट कर लिए। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि हमने जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पर उस कॉलेज सेलेक्ट किया है उसको हमको फर्स्ट नंबर पर ले जाना है या फर्स्ट वाले को लास्ट में ले जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा, अप एरो, एक डाउन एरो, उन एरो की सहायता से आप कर सकते हैं। आपको जो कॉलेज ऊपर नीचे करना है उस पर आपको सेलेक्ट करिए और एरो वाले क्लिक करके आप ऊपर नीचे इन पर कर सकते हैं। अब अगर आपका फाइनल हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है आपके कॉलेज सेलेक्ट किए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी सभी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट आने के बाद में यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको नीचे दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगा चेंज कॉलेज प्रेफरेंस और एक दिखाई देगा सेव प्रेफरेंस। अगर आप जो कॉलेज हैं उनको अगर अभी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं चेंज कॉलेज प्रेफरेंस के माध्यम से। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, अन्यथा फिर एडिट करने में काफ़ी परेशानी आ जाती है। तो यहाँ से हम सेव प्रेफरेंस पर आगे बढ़ जाते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि चॉइस फिलिंग रिसीव्ड फॉर एडमिशन इन ITI CTS फोर्थ राउंड। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फोर्थ राउंड की चॉइस फिलिंग कर ली है। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर CTS फोर्थ राउंड का हमको पेमेंट करना होगा चॉइस फिलिंग के लिए। इसलिए हमको थोड़ा सा नीचे आना है। अब दोस्तों जैसे ही हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने जो भी चॉइस फिलिंग में कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनके नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने नाम दिखाई दिए जाएंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमको अपना पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए दोस्तों कितना पेमेंट करना है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ₹50 का हमको अपना पेमेंट करना है, ठीक है। अब पेमेंट करने के लिए आपको नीचे आ जाना है, और जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे हम अपना पेमेंट कर देंगे हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, वही सब चीज़ें दिखाई देंगी। हमको थोड़ा सा नीचे सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाई देगा ट्रांजेक्शन दिनांक, हमने किस तारीख को पेमेंट किया है, और हमारी क्या ID रहने वाली है, ट्रांजैक्शन ID और GST नंबर, यानी कि हमारी डिटेल्स दिखाई देंगी। ट्रांजैक्शन डेटेड, ट्रांजैक्शन का विवरण यहाँ पर हमको दिखाई देगा। अब दोस्तों इसका क्या करना है, इसको आपको प्रिंटआउट निकालना है। प्रिंटआउट निकाल कर आपको अपने पास रख लेना है, और अब केवल आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई, तो वीडियो को शेयर कर देना है। चॉइस फिलिंग अगर आपको अच्छे से समझना आ गया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।